अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अभी एक हफ्ता पहले रेलवे ने दो मस्जिदों पर नोटिस लगाया था और ये कहा था कि इनको 15 दिन के अंदर अंदर हटा लिया जाए, नहीं तो हम इसको डेमोलिशन कर देंगे। वो दोनों मस्जिद, एक बंगाली मार्केट की मस्जिद थी और दूसरी तकिया बब्बर शाह जो ITO पर मस्जिद थी, उन दोनों पर इन्होंने नोटिस लगाया था। उस नोटिस के खिलाफ, यानी कि केंद्र सरकार के रेलवे विभाग के खिलाफ, मैंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने हमें राहत देते हुए उस नोटिस पर पूरी तरह रोक लगा दी कि आप इस नोटिस के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, यानी कि उस पर स्टे लगा दिया गया। और 6 तारीख, जो 6 अगस्त है, तारीख दे दी गई और नोटिस में यह भी कहा गया कि आप जवाब दाखिल करें। जिस तरह से दिल्ली वक्फ बोर्ड कह रहा है कि आप कभी जो है रेलवे के नाम पर, कभी रोड चौड़ा करने के नाम पर, कभी किसी और चीज के नाम पर आप मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं, आप इस तरह की नोटिस की कार्रवाई आगे आइंदा ना करें। और इसमें एक बड़ी फतह आज हम लोगों को मिली है कि जो आज एक तलवार, जो तलवार लटकी हुई थी, लोग के अंदर खौफ का माहौल था, डर का माहौल था, सोशल मीडिया पर जो है, नेशनल मीडिया पर ये सारी खबरें चल रही थी कि रेलवे जो है दो मस्जिदों को तोड़ना चाहता है, तो आज दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। और मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो लड़ाई है इंशाल्लाह हम लड़ते रहेंगे, लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अभी तक किसी भी केस को, इन 5 सालों में जब से मैं चेयरमैन रहा, इन 5 साल 6 साल के अंदर अभी तक कोई केस दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हारा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली वक्फ बोर्ड को और मुझे बदनाम करना चाहते हैं, तो मैं तो उनसे यही कहूँगा कि भाई, इस बदनाम करने में या दिल्ली वक्फ बोर्ड को कमज़ोर करने में, एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत दिल्ली वक्फ बोर्ड को वो कमज़ोर कर रहे हैं। हमारी जाति दुश्मनी किसी की मुझसे हो सकती है, लेकिन इस इदारे से किसी को दुश्मनी नहीं निभानी चाहिए। उनकी दुश्मनी की वजह से, उनकी साजिशों की वजह से आज दिल्ली वक्फ बोर्ड का बहुत नुकसान हुआ है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर आज इमामों को सैलरी नहीं मिल पा रही, उनको जो है ऑनेरियम नहीं मिल पा रहा है, स्टाफ को नहीं मिल पा रहा है, स्टाफ पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है। लोग जो चाहते थे एक इदारे को बर्बाद करना, उसमें बहुत सारे लोग उनका साथ दे रहे हैं। तो मेरी उनसे ये मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है, अपील है कि उनके किसी भी बहकावे में ना आएँ और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर किसी भी किस्म की कोई साजिश ना करें, क्योंकि अगले महीने की 26 तारीख में मेरा टाइम पूरा हो रहा है और इस टाइम के बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है दोबारा से बनाया जाएगा और दोबारा से पूरी वक्फ बोर्ड की पूरी जो है कमेटी बनाई जाएगी। उसमें कौन बनकर आता है, कौन नहीं आता, इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा एक वक्त था, उस वक्त में मैंने पूरी कोशिश की कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की तमाम प्रॉपर्टीज़ का तहफ़ किया जा सके, किराया बढ़ाया जा सके, दिल्ली वक्फ बोर्ड की इमेज को दुरुस्त किया जा सके। तो उसी के लिए मैं आप तमाम लोगों का, जिन लोगों ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में रहते हुए या वैसे मेरी मदद की, दुआएं की, उन तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं।